नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वैसे तो हम हर साल भंजी का जन्मदिन 15 जनवरी को मनाते हैं, बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। इस बार भी और बढ़ चढ़ के पूरे देश में बहन कुमारी मायावती जी का, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, चार चार बार सरकार बनी है बहुजन समाज पार्टी की, उसके मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी रही हैं। राज्यसभा सांसद थी, जिन्होंने राज्यसभा सांसद को अभी जैसे उनको बोलने नहीं दिया गया पार्लियामेंट में, तो उन्होंने उस पद से इस्तीफा दिया। तो ऐसी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन इस बार हम लोगों ने बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया है और महाराष्ट्र में भी उसी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इसके अलावा और कोई कार्यक्रम था इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में? नहीं, 15 जनवरी को तो जो हमने कुरला में बनाया, कुरला बेस्ट में जो कच्ची हाल था कुरला कोर्ट के सामने, हम वहाँ पे बड़ी धूमधाम से उसको मनाए। भंजनी जिम्मेदारी, अरे जो राष्ट्रीय महासचिव है, जो यहाँ के प्रभारी हैं, राज्यसभा सांसद है, वीर सिंह जी को दिया था और भंजी का आदेश मुझे भी था कि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से मनाना है, तो मैं वहाँ का आयोजक बना और भंजी के आदेश के हिसाब से इस कार्यक्रम को बड़े धूमधाम से मनाया मैंने। चलते चलते एक आखिरी सवाल, ये जो अभी जोया केस मामला है, जो चार जज आके सामने अपनी प्रतिक्रिया दिए और इस तरीके का बात, कुछ न कहीं ना कहीं सरकार इसमें इन्वॉल्व है और सरकार, वो जो जज का कहना था कि सरकार इस तरीके का काम कर रही है, दबाव में काम कर रहे हैं, उनको फ्रीडम चाहिए जजों को, तो क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है क्या जजों पे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो RSS के हिसाब से ये भारतीय जनता पार्टी चलती है, उनकी मुट्ठी में रहती है और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है कि देखो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश में उसकी सरकार बनी है, वो संविधान को छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। बहन कुमारी मायावती जी इस पे बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया हुआ है, जैसे EVM का घोटाला जो इन लोगों ने किया है, अभी भी जो सरकार ये बना रहे हैं, ये घोटाला करके बना लिए। बहन जी ने जिस दिन रिजल्ट उत्तर प्रदेश का आया, उसी दिन सारी चीज़ें स्पष्ट कर दिया है कि EVM का घोटाला है, उसके ऊपर केस किया, वकील लगाए। बहन जी ने सारी चीज़ जो कानूनी प्रक्रिया है, जो संविधान के मुताबिक चलता है, बहन जी उसका पालन कर रही हैं और वो एक न एक दिन ऐसा खुल के आएगा कि इनको मानना पड़ेगा कि EVM का घोटाला है। तो ये BJP जो कर रही है, ये सारी चीज़ें वो मनमानी कर रही है, नोटबंदी ये सब जो कर रही है, किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये मनमानी किया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप जब जजेस अगर बाहर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वाकई में इसमें समस्या दिख रहा है कि 100% वही तो बता रहा हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी उसकी मूड में, जैसे कि खुद की भारतवर्ष सिर्फ उसका है, इंडिया सिर्फ उसका है, बाकी किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। वो जो चाहती है वो कर देती है, जो चाहती है वो डिसीजन लेती है, किसी से राय मशवरा नहीं करती है। अरे पार्लियामेंट में इसकी बहस होनी चाहिए, जो कुछ भी हो तो देश की जो देश का जो संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया है, उस संविधान के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन वो चलती नहीं भारतीय जनता पार्टी। देश का संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है, उसके मुताबिक अगर चलने वाली कोई पार्टी है तो सिर्फ एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, और उसके मुखिया बहन कुमारी मायावती जी। तो जज जोया के रुख अगर पूरे मसले को देखा जाए, तो BSP का रुख क्या है, क्या करने वाले, अगला कदम क्या होगा? BSP सत्ता में जब आएगी, अभी तो सत्ता में नहीं है, BSP सिर्फ बोल सकती है, बहन कुमारी मायावती जी सिर्फ बातें अपना पक्ष रख रही हैं, जिस दिन सरकार आ जाएगी उस पर एक्शन लेगी। सरकार तो है नहीं अभी केंद्र में, और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो BJP का जो नखड़े हैं, BJP की जो मनमानी है, उसे उब चुके हैं। तो मुझे लगता है कि 2019 में बहन कुमारी मायावती जी के अलावा किसी और के पास कोई चारा नहीं है। चलते चलते एक और आखिरी सवाल, ये भीमा कोरेगांव का जो मसला आपने देखा, सड़क पे उतर गया, दलित की हत्या, बिल्कुल इस प्रकार से देखते हैं, और सरकार का इसमें क्या कहना चाहेंगे, ये जो भीमा कोरेगांव वाला मसला पूरा मुंबई या पूरा महाराष्ट्र रस्ते पर उतरा था, एक दलित की हत्या, कहीं ना कहीं लगता है आपको सरकार विफल रही लोगों को कंट्रोल करने में और प्रशासन व्यवस्था को लेकर? बिल्कुल, इस बारे में बहन कुमारी मायावती जी ने तीन बार चार चार बार प्रेस नोट जारी किया है, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, मीडिया के सामने सारा खुलासा किया है इसके बारे में। लेकिन जो महाराष्ट्र के लिए हम लोगों को आदेश था बहन कुमारी मायावती जी का, वो था कि शांतिपूर्ण से, क्योंकि हमें कानून को हाथ में नहीं लेना है, हमें इस तरह से बहन जी का आदेश था। तो हमारे यहाँ के लाखों लोग वहाँ पे ये इसका विरोध किए थे, विरोध प्रदर्शन किए थे, लेकिन अपने यानी कानून को तोड़ के नहीं, रोड पे आके नहीं,
तो ये तोड़ फोड़ करके नहीं, उनका उनका विरोध था। भीमा कोरेगांव में वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ पे दलित थे, वहाँ पे सड़क पे आए थे, शांति ढंग से इस चीज़ को वहाँ पे विरोध किया था, लेकिन जो बहन जी का आदेश था उसका पालन करते हुए जो कुछ भी किया था। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत गलत हुआ है, ये बीजेपी की रणनीति थी, नहीं तो बीजेपी अगर चाहती तो वहाँ पे पहले से प्रशासन अगर दुरुस्त रखती तो ऐसा नहीं होता था। अब की बार जो वहाँ पे लाखों लोगों ने बाद में जाके जो शपथ लिया है दलित समाज के लोगों ने, उन्होंने कहा है कि 2019 में हम बीजेपी का सबक सिखाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेके आएंगे। सर एक संविधान बचाओ अभियान चल रहा है जिसमें कई सारी पार्टियां एक हुई है, तो बहुजन समाज पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है उस पर? बहुजन समाज पार्टी तो सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी इस चीज को कह रही है, इस चीज को बहन कुमारी मायावती जी ही कह रही ना कि ये जो कर रहे हैं तो ये बीजेपी चाहती है कि संविधान में छेड़छाड़ हो। ये तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी इस चीज़ के लिए आगे हैं, सबसे आगे बहुजन समाज पार्टी है कि संविधान बचाओ, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाओ तो संविधान बच सकता है, ऐसा बहन कुमारी मायावती जी का कहना है, पूरे देश के लिए ये कहना है उनका आह्वान। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।